केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि देश में खाद्यान्न भंडार की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सरकार बेचैन आखिर क्यों है? अगर खाद्यान्न स्टॉक के आंकड़े देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि आखिर सरकार बेचैन क्यों है। भारतीय खाद्य निगम के 15 सितंबर 2022 तक के खाद्यान्न भंडार के आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय भंडार में 465,43,000 टन अनाज था, इसमें से 224,04,000 टन चावल तो 240,84,000 टन गेहूं शामिल है, जबकि इससे 15 दिन पहले 1 सितंबर 2022 तक चावल 279,52,000 टन तो गेहूं 248,22,000 टन यानी कुल 492,85,000 टन अन्न था। ये भंडार अब लगातार कम हो रहा है। जनवरी 2022 में केंद्रीय भंडार में 551,66,000 टन गेहूं चावल था, जो लगातार कम हुआ है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो पिछले 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय भंडार में 786,19,000 टन अन्न था, जिसमें चावल की मात्रा 268,32,000 टन थी और गेहूं 517,87,000 टन था। उल्लेखनीय है कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की सरकारी खरीद बहुत कम होने के कारण गेहूं का भंडार लगातार कम हुआ है, लेकिन खरीफ विपणन सीजन 2022-23 में चावल के उत्पादन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति ने केंद्रीय भंडार के प्रति चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि और कृषक मंत्रालय के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी खाद्यान्न उत्पादन के प्रथम अनुमान के मुताबिक चावल के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 6.05% कमी आ सकती है। अनुमान है कि 2022-23 में 1,049,09,000 टन चावल का उत्पादन होगा, जबकि पिछले साल चावल का कुल उत्पादन 1,117,06,000 टन हुआ था, यानी कि इस साल 67,07,000 टन उत्पादन कम हो सकता है। हालांकि यह उत्पादन अनुमान सितंबर के आखिरी सप्ताह में हुई भारी बारिश से पहले का है। सितंबर 22-23 के बाद उत्तर भारत में हुई भारी बारिश के कारण धान की तैयार फसल को काफी नुकसान हुआ है। खासकर सरकारी भंडार में बड़ी भूमिका निभाने वाले पंजाब हरियाणा में इस बरसात के कारण धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। 1 अक्टूबर 2022 से पंजाब हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी किसान बारिश के कारण भीगी धान के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ उपमंडल के किसानों का कहना है कि अभी ये देखना होगा कि नमी वाली धान जब मंडियों में पहुंचेगी तो मंडी कर्मचारी का क्या रुख रहेगा। उल्लेखनीय है कि धान में तय मात्रा से अधिक नमी होने पर सरकारी एजेंसियां धान नहीं खरीदती हैं। धान की खरीद केंद्र व राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हालात लगभग गेहूं की सरकारी खरीद जैसे ही है। गौरतलब है कि रबी सीजन 2022-23 में गेहूं की खरीद का लक्ष्य 444,00,000 टन रखा गया था, लेकिन सरकार केवल 187,92,000 टन ही खरीद कर पाई थी। खरीद कम होने के दो कारण थे, एक तो मार्च अप्रैल में बेमौसम भीषण गर्मी के कारण गेहूं का उत्पादन घटा और दूसरा यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक खाद्य संकट के चलते गेहूं के दाम काफी बढ़े थे, जिसका फायदा उठाने के लिए निजी व्यापारियों ने किसानों से सीधे गेहूं की खरीद कर ली थी। हालांकि बाद में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। लगभग ऐसे ही हालात चावल के भी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, विश्व खाद्य संकट बना हुआ है, जिसके चलते चावल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले चावलों के रिटेलों के दाम में 8.39% की वृद्धि हो चुकी है, जबकि होलसेल के दामों में यह वृद्धि 8.85% पहुंच चुकी है। अभी सरकार के लिए चुनौती तिहारी सीजन में चावल के दामों में कमी लाना है। उधर चावल की बढ़ती मांग को देखते हुए निजी व्यापारियों ने किसानों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर पर स्थित होडल के चावल व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर धान की खरीद शुरू कर दी है। इस साल सामान्य धान की एमएसपी 2,040 रुपए प्रति क्विंटल है और ग्रेड ए धान की एमएसपी 2,060 रुपए प्रति क्विंटल है। उधर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा हर महीने जारी खाद्यान्न बुलेटिन के मुताबिक 31 अगस्त 2022 तक खरीफ मार्केटिंग सीजन में 592,13,000 मीट्रिक टन चावल खरीदा गया था, जबकि स्टॉक में 244,63,000 टन चावल है, जबकि अगस्त 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 30,00,000 टन चावल डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले सितंबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक 7 महीने में लगभग 210,00,000 टन चावल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियम के मुताबिक हर साल 1 अप्रैल को 135,80,000 टन चावल का बफर स्टॉक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर वर्तमान स्टॉक में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वितरित 210,00,000 टन को कम कर दिया जाए तो केंद्रीय पूल में 34,63,000 टन चावल बचेगा
और अगर बफर स्टॉक बचाए रखना है तो कम से कम इस सीजन में 100 लाख टन चावल तो खरीदना ही पड़ेगा। हालांकि यह काम कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, फिर भी आने वाला समय बताएगा कि चावल की सरकारी खरीद क्या रुख अपनाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। सरकार की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे पिछले लगभग 4 दिन से तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां इस साल चावल की पैदावार अच्छी हुई है और अब तक केवल तमिलनाडु ही है जहां से 1,99,000 टन चावल की खरीद हुई है। भारत में चावल की कुल खपत ज्यादा होती है। केंद्र सरकार की एजेंसी NSO के आंकड़े काफी पुराने हैं, लेकिन अमेरिकी एजेंसी USG ने जून 2022 में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत में 2021-22 में 1,095 लाख टन चावल की खपत का अनुमान लगाया था। अगर इसी आंकड़े के आधार पर चालू वित्त वर्ष में चावल की खपत और उत्पादन से तुलना की जाए तो इस साल भारत में लगभग 45 लाख टन चावल की कमी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि सरकार ने सबसे पहले चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया। चावल निर्यात के मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल है और 2021-22 में भारत ने 212 लाख 3 हजार टन चावल का निर्यात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।